वर्ल्ड कप 2023 के आगाज से पहले टीम इंडिया के पास में अब बस कुछ ही मैच बाकी हैं, जहां पर वेस्टइंडीज में टीम इंडिया 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, तो उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के पास सिर्फ एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 3 वनडे मैच की सीरीज बाकी रहेगी। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये सभी वनडे मुकाबले काफी ज्यादा अहम होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप मिशन सिर पर है। अब इस वर्ल्ड कप के मिशन के लिए भले ही क्रिकेट फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर देखें, लेकिन दिग्गजों का मानना है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप में रोहित और विराट की मोहताज नहीं है, बल्कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपने कुछ और खिलाड़ियों की बदौलत भी जीत की फेवरेट बनकर मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। तो आखिर टीम इंडिया आखिर क्यों वर्ल्ड कप में विराट और रोहित की मोहताज नहीं है, और आखिर दिग्गजों की नजर में टीम इंडिया को आखिर वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम इंडिया अब अपनी तैयारियों को आजमाने की कवायद में जुट चुकी है। भले ही क्रिकेट फैंस को ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ साबित होंगे, लेकिन श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज चामिंडा वास ऐसा नहीं मानते। दरअसल चामिंडा वास को तो लगता है कि भारतीय बल्लेबाजी विराट कोहली और रोहित शर्मा पर निर्भर नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया में मौजूदा वक्त में ऐसे कई युवा खिलाड़ी आ चुके हैं जो कि घरेलू कंडीशंस में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए वर्ल्ड कप में बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि चामिंडा वास ना सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि श्रीलंका में ही खेले जाने वाले आगामी एशिया कप में भी इन खिलाड़ियों को ट्रम्प कार्ड मानते हैं। चामिंडा वास ने कहा है कि अगर आप भारतीय टीम की बात करें तो सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा ही तुरुप का इक्का नहीं है, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव जैसे कई युवा क्रिकेटर भी तुरुप का इक्का है, यशस्वी जायसवाल भी अच्छा खेल रहे हैं, गिल अच्छा खेल रहे हैं, आज भारत में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, हर कोई प्रतिस्पर्धी होने जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर बात बल्लेबाजी की होगी तो हर वक्त टीम इंडिया विराट और रोहित पर निर्भर नहीं रहेगी, दूसरे भी योगदान दे रहे हैं। वनडे क्रिकेट में श्रीलंका के लिए 400 से ज्यादा विकेट ले चुके चामिंडा वास वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते रहे हैं। इसी साल वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में एशिया कप के भी कई मैचों का आयोजन किया जाना है। श्रीलंका एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन है। चामिंडा वास को उम्मीद है कि आगामी एशिया कप में लंकाई टीम को भी घर पर हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहेगा। वही टीम इंडिया की गेंदबाजी पर बात करते हुए चामिंडा वास को उम्मीद है कि जसप्रीत बुमराह की होने वाली टीम इंडिया में वापसी भारतीय गेंदबाजी को और ज्यादा मजबूत कर देगी। जसप्रीत बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो एक बहुत ही निरंतर खिलाड़ी हैं। भारत वास्तव में उन्हें चाहता है, हालांकि यह रिहैबिलिटेशन और चोट पर ही निर्भर करता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ट्रेनर और फिजियो उन्हें फिट करने के लिए एक टीम में काम कर रहे हैं, और अगर वो फिट हो जाते हैं तो वर्ल्ड कप में भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। हालांकि चामिंडा वास आगामी एशिया कप और वर्ल्ड कप की विजेता टीम को लेकर अभी भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन चामिंडा वास ने यह जरूर कहा है कि भारत की बल्लेबाजी को देखते हुए भारत में टीम इंडिया को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहेगा। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कॉन्ट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट, इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है न्यूज 24/7।